Come here. टूटू का टेबल तो हट चुका है। टूटू अभी नीचे रहता है और रात को या फ्री टाइम टूटू अपने जो स्टैंड है नया हमने बनाया है उस पर रहता है। अभी टूटू को हमने आज यहाँ पर खाना दिया है। क्या दिया है? पपाया, अमरूद, एक काला अंगूर, छोले और टूटू अभी हमारा नया मेहमान ग्रे बेबी के साथ यहाँ पर खेल रहा है। हाय टूटू। देखिए मैं हाय बोलता हूँ और टूटू रिप्लाई करता है और पीछे से भूटू आवाज दे रहा है, हाय हाय। तो क्या खा रहा है, क्या खा रहा है तू? टूटू देखिए कहाँ चला गया। कम हियर। टूटू को ये बहुत पसंद है। टूटू इसके पास केज में जाके इसके साथ चोंच में से चोंच मिला के न जाने क्या करता है। टूटू इधर कोने में जाके एक आवाज निकालता है। टूटू देखिए इसका चाल, देखिए चलने का चाल। टूटू को ये बेबी बहुत पसंद है। टूटू उसके साथ बहुत अच्छे से प्ले करता है, उतना भूटू के साथ भी नहीं करता है। कमी है। टूटू का लगभग 4 गुना बड़ा है ये बेबी है, लेकिन टूटू के साइज से 4 गुना ये बड़ा है। टूटू इसको हमने अभी फीड करवाया और नीचे छोड़ दिया है। टूटू के साथ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये गुस्सा हो रहा है। तो दोस्तों और एक वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे हम सुबह का टाइम भूटू के साथ किस तरह से ट्रेन करते हैं। भूटू को थोड़ा सा अभी फ्री फ्लाई घर में करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना सीखे घर में तो उतना ज्यादा जगह नहीं है, फिर भी जितना हो सके हम भूटू के साथ फ्री फ्लाई करवाते हैं। फ्लाई जब जितना करेगा हेल्थ भी अच्छा रहेगा, भूख भी अच्छा आएगा और खाना भी ठीक तरह से खाएगा। तो भूटू को मैं कुछ टाइम फ्री फ्लाई तो नहीं कह सकूंगा, इसको मैं फ्लाई करने के लिए घर में दरवाजा या खिड़की में बंद करके इस तरह से ट्रेन करता रहता हूँ। तो आप भी अपने घर में खिड़की दरवाजा बंद करके अपने बेबी बर्ड के साथ थोड़ा सा फ्लाई करवाइए, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। जितना ज्यादा फ्लाई करेगा उतना ही हेल्थ के लिए अच्छा होगा, मेहनत होगा, भूख भी लगेगा। बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछे कि बेबी इस तरह से सोता है, उस तरह से सोता है। देखिए हमारा जो ग्रे पैरोट का बेबी है ये किस तरह से सो रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स डर भी गए थे कि बेबी इस तरह से सो रहा है, कुछ हो तो नहीं गया। तो नॉर्मल जब बेबी रहता है तब ये अपने आप के मर्जी से पैर फैला के एकदम उल्टा होके साइड होके ऐसे सो जाता है, तो डरने की कोई बात नहीं है इसमें। आप भी दिन में कुछ ना कुछ टाइम अपने बार्ड के साथ इस तरह से प्रैक्टिस कराइए, जो उनके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। जितना मेहनत करेगा भूख भी आएगा, डाइजेशन भी होगा। तो मैं इस तरह से रोज भूटू के साथ आधा घंटा इस तरह से मैं सुबह के टाइम प्रैक्टिस करता रहता हूँ और भूटू भी अभी बहुत अच्छी तरह से ट्रेन भी हो चुका है। मैंने भूटू को चारों तरफ से परिचय करवा दिया है घर में। ये आ गया है, तो मुझे इतना लेंथ तक उसको लाना है। अभी इसका पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये 1-2 दिन का तो काम नहीं है, आपको लगन से मेहनत करके उसके साथ भी टाइम देना पड़ेगा। सेट डाउन, कम है, स्टेप अप, कम है। देखिए भूटू भी मुझे काट रहा है। चलो अगेन, और एक चीज मैं दिखाता हूँ, फ्लाई। और अभी भूटू को मैं शॉर्ट ड्यूरेशन से हाथ पे लाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे ही मैंने हाथ अपना बढ़ाया, भूटू खुद से मेरे हाथ पर आ चुका है। कम ऑन, हाय भूटू, कम ऑन। ये तो फ्री फ्लाई नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने बर्ड के साथ घर में धीरे धीरे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो जब ये उड़ना स्टार्ट कर देता है तो आपको इस तरह से धीरे धीरे करके ट्रेन करना है। तो भूटू को पता चल गया है मैं क्या करने वाला हूँ। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है,
तो थोड़ा आपको वीडियो ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, कोई लाइट वगैरह नहीं है, खाली सनलाइट जितना आ रहा है घर पे उतना सा ही। तो इस तरह से मैं भूटू को दिन में कुछ ना कुछ टाइम मैं ट्रेन करता रहता हूँ, लगभग सुबह के टाइम या शाम के टाइम जब घर घर खाली रहता है। तो इस तरह से आप भी अपने बर्ड के साथ करें, खिड़की दरवाजे बंद करके। कम यार, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, बेबी बर्ड सबसे फ्री नहीं होगा। जो घर में अगर 5-6 पर्सन है तो कोई एक के साथ ये फ्री होगा। जिसने इसको खिलाया पिलाया बड़ा किया, जो बंदा इसके साथ टाइम देगा उससे ये फ्रैंक होगा। देखिए भूटू, मैं जैसे ही हाथ बात करने के लिए बढ़ा रहा हूँ और भूटू मेरे हाथ पे आके बैठ रहा है। कमी है भूटू, मैं साइड पे चला जाता हूँ। कमी है, हाय। देखिए इस तरह से आपको भी थोड़ा टाइम निकाल के अपने लाडला या लाडली के साथ टाइम देना है। इससे बॉन्डिंग भी अच्छा होगा और ये हेल्दी भी रहेगा। अभी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है, बट देखिए मुझे काट रहा है, बट खाना नहीं खाना चाहता है। क्यों नहीं खाना चाहता है? उसको जितने दिन तक आपने घर पे रखा है वो केज पे या बॉक्स पे रहा है, शरीर में कोई मेहनत नहीं हुआ है, इस वजह से भी डाइजेस्ट का प्रॉब्लम हो सकता है और खाना भी नहीं खाना चाहता है। देखिए मैं हर टाइम मैं भूटू के साथ कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, क्योंकि ये अभी छोटा है। मैं टूटू के साथ इसको छोड़ देता हूँ, ये खेलता रहता है। मैं जब फ्री रहता हूँ, काम नहीं होता है, मम्मी जी पिपलू सब एक ना एक टाइम करके सबको ट्रेन करता रहता है, बात करने की कोशिश करता रहता है। बात तो आप जितना टाइम देंगे उसके साथ आप बात करेंगे वो सीख जाएगा, अपना बोली वो सीख जाएगा, लेकिन ट्रेन करना सबसे मुश्किल है। ये ट्रेनिंग आप एक दो दिन में नहीं कर सकेंगे, इसके लिए आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं दूर चला जाता हूँ और एक बार और भुटू को मैं बुलाता हूँ। हाय भुटू, कम हियर। ये गुस्सा हो गया है, काफी टाइम से मैं इसको उड़ा रहा हूँ। हाय, गिव मी किस। और अभी बहुत सारे व्यूअर्स ने कहा है कि अपना ग्रे बेबी को दिखाइए। टूटू का आवाज शायद आपको बाहर से मिल रहा है, वो बात कर रहा है और बेबी यहाँ पर बैठा है। हमने पपीता दिया है इसको, एकदम पक्का पपीता डाउन। और ये ट्रेनिंग के वजह से तो मेरा हाथ का पूरा चारों तरफ पूरा नोच लिया है भूटू ने। बहुत दिन हो गया इसका हमने नेल ट्रिमिंग नहीं किया है, अब दूसरे साइड से करते हैं। हाय हाय, कम हियर कम हियर, आ गया है। डाउन डाउन, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। तो टूटू को मैंने इस तरह किया था, लेकिन टूटू तब उड़ नहीं सकता था, उसका फेदर पूरा गिर चुका था। ये चला गया है खिड़की पर। कम यार, मैं इसको बुलाता हूँ, मेरे ख्याल से इधर पे नहीं आ सकेगा वो, क्योंकि उसको और टूटू को बहुत ज्यादा पसंद है ये प्लेस। कम यार कम यार, ये पूरा अभी तक तो एक्सपर्ट नहीं हुआ है। और अभी हमको यहीं पर वीडियो खत्म करना होगा, क्योंकि का भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने का टाइम हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना। अगर आपको और कुछ पूछना है तो जरूर कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।